प्रदेश की कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उसने 2 क्विंटल 91 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए गांजे की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कस्या पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोपालगढ़ हंसराज हॉस्पिटल के पास से एक बोलेरो वाहन से ले जाए जा रहे 2 क्विंटल 91 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मौके से गांजा तस्कर रामेश्वर ओझा अजय नगर कॉलोनी भवनौली थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हम लोग आंध्र प्रदेश से लेकर आ रहे थे और भिन्न भिन्न जगहों पर उतार से मूल्य पर बेच देते थे। पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रामेश्वर ओझा पुत्र सच्चिदानंद ओझा निवासी पवनौली थाना सेवरही श्रीनगर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 2 क्विंटल 91 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की गई है और एक वाहन बोलेरो जिसमें उसके द्वारा परिवहन करके ले जाया जा रहा था जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है।